एंड्स ऑफ द कॉलम आर फेस्ड। जब हमारे कॉलम के दोनों एंड्स अगर फेस्ड तो उसके लिए बब्लिंग नोड क्या होता है, उसके लिए यूनिफॉर्म नोड का एक्सप्रेशन है, तो उसकी बात करेंगे आज। देखिए सपोज हमारे पास एक कॉलम है, दिस इज द कॉलम एंड द बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम आर फिक्स्ड लाइक दिस, दिस इज द एंड ए, दिस इज द एंड बी एंड द बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम आर फिक्स्ड। क्लियर? बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम आर फिक्स्ड लाइक दिस। फिर हमारे कॉलम के दोनों एंड्स फिक्स्ड है, इसके लिए यूनिट फॉर्मूला का एक्सप्रेशन है, तो उसकी बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास में कॉलम है, इसकी लेंथ है फ्रॉम एंड ए टू एंड बी इज स्मॉल एल, दिस इज स्मॉल एल। क्लियर? एंड जब हम कॉलम के ऊपर लोड लगाए, जैसे हमने इस कॉलम के ऊपर लोड लगाया, लोड की इंटेंसिटी पी है, तब लोड लगाने के बाद हमारा कॉलम हो सकता है कि बक्कल हो जाए। वो किस सेल पर बक्कल होगा? वो अगर हमारे कॉलम के दोनों एंड्स अगर फिक्स्ड है तो हमारा जो कॉलम है कुछ इस सेल में बक्कल होगा। किस तरीके से बक्कल होगा हमारा कॉलम जब कॉलम के दोनों एंड्स फिक्स होते हैं? क्लियर? तो फिक्स्ड एंड से कुछ डिस्टेंस पर जाके ये बक्कल होगा। ऐसा कैसे नीचे वाला एंड देखिए ए एंड, इससे भी कुछ डिस्टेंस पर जाके ये बक्कल होना स्टार्ट होगा। क्लियर? तो जहां से बक्कल होना स्टार्ट हुआ और जहां पर बक्कल होना एंड हुआ, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ होती है वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम होती है। क्लियर? ठीक है, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम एल ई, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। या फिर हम कह सकते हैं इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ कहां पे होता है? तो जहां पर भी हमारा कॉलम बक्कल करे, इसका मतलब वहां पे ज्यादा कॉलम बक्कल होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, उस पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो जीरो होता है। तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, यहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। तो जहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो हमें क्या माननी होती है, वो क्या होती है, वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम होती है। क्लियर? हमें इतना पता है अकॉर्डिंग टू एंड कंडीशंस ऑफ द कॉलम, जब दोनों एंड्स फिक्स्ड है इस कॉलम के, तो हमें पता है कि इसकी इफेक्टिव लेंथ होगी एल ए, वो कितनी होगी, एल बाई टू होगी। कितनी होगी? एल बाई टू, इसमें एल है, उसके लिए क्या होगी, एल बाई टू होगी। ठीक है, लेकिन हमें इसके लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला का एक्सप्रेशन, यूनिवर्सल फॉर्मूला को डिराइव करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इस कॉलम के ऊपर लोड लगाया तो हमारा कॉलम इससे बक्कल हो गया और इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या है, एल ए है, दिस इज इक्वल टू एल बाई टू। क्लियर कर? अब देखिए जब हमने इसके ऊपर लोड लगाया, हमें इतना पता है कि जब कॉलम के दोनों एंड्स फिक्स्ड है तो फिक्स्ड एंड में पता है कि और कुछ ना कुछ मूवमेंट आता है, ठीक है, वहां पर मूवमेंट डेवलप होता है। तो यहां पर जो दोनों फिक्स्ड एंड है, यहां पर मूवमेंट डेवलप होगा कुछ इस तरीके से। क्लियर? और यहां पर मूवमेंट डेवलप होगा कुछ इस तरीके से। तो दोनों एंड्स पे अगर हमारे दोनों एंड्स पर फिक्स्ड है तो वहां पर मूवमेंट आते हैं। क्लियर? तो यहां पर जो मूवमेंट आ रहे हैं दोनों फिक्स्ड एंड पे क्या हो जाएगा, तो हमारा ये वाला लोड भी
y, ठीक है, माइनस b इंटू y, और पर्टिकुलर फिक्स एंड पे मोमेंट है वो m नोट है, m नोट माइनस b इंटू y, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता है कि हमारा जो मोमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, तो हमारा जो मोमेंट होता है वो ई आई डी टू वाई ऑन डी एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हम इसको मोमेंट टेबल, हमारा मोमेंट टेबल क्या है, ये है एम नॉट माइनस पी इंटू वाई, क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं, माइनस पी इंटू वाई को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, देन ई आई डी टू वाई ऑन डी स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो पी इंटू वाई, क्या बचेगा एम नॉट, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस पी ओवर ई आई, पी अपॉन ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन ई आई, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर? अब देखिए हमें यह पता है कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन ई होता है, और हम अल्फा को रूट ऑफ पी अपॉन ई लिख सकते हैं, नो डाउट, जैसा हमने पहले वाले एक्सप्रेशन पढ़े थे, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या रूट ऑफ पी अपॉन ई, और अल्फा स्क्वायर क्या होता है पी अपॉन ई। अब देखिए अगर मैं यहां पर पी से मल्टीप्लाई करूं और पी पर डिवाइड करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम थिंग। तो देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस पी अपॉन ई आई को हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इन टू वाई इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन पी एंड पी अपॉन ई आई, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं पी अपॉन ई आई, क्लियर? आगे इसको बढ़ाते हैं, डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इन टू वाई एम नॉट अपॉन पी इंटू पी अपॉन ई आई, तो हम अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, हम क्या होता है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे जो इसका सीएम पार्ट और जो हमारा इसका पी आई पार्ट है, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वाई इज इक्वल टू सी वन इंटू कोस अल्फा एक्स प्लस सी टू इंटू साइन अल्फा एक्स प्लस एम नॉट अपॉन पी, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर? एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर वन, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन, और इसको हम इस तरीके इसको हम अभी तक वन नहीं मानते हैं, ठीक है, इसको हम इस तरीके से अगर इसके अंदर हम अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देन वाई इज इक्वल टू सी वन इंटू कोस अल्फा की वैल्यू पता है रूट ऑफ पी अपॉन ई आई है, रूट ऑफ पी अपॉन ई आई इंटू एक्स प्लस सी टू इंटू साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास में रूट ऑफ पी अपॉन ई आई है इंटू एक्स प्लस एम नॉट अपॉन पी, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर वन, नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर वन, क्लियर दैट, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए हमें इतना पता है कि इसके दोनों कॉलम के एंड जो है वो फिक्स है, तो हमें इतना पता है कि फिक्स एंड में जब स्लोप होता है ना कि डिफ्लेक्शन होता है, दोनों के दोनों वहां पर जीरो होते हैं, फिक्स एंड में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों जीरो होते हैं, तो यहां पर हमारा कॉलम स्टार्ट हो रहा है, यहां पर इसकी लेंथ जीरो मीटर, सेंटर में एल बाई टू एंड टॉप पे पूरे की पूरी एल हो जाएगी, तो अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो लेते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो लेते हैं तो हम कहां हैं, ए पॉइंट पे जहां पर हमारा फिक्स एंड है, तो ये फिक्स एंड पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, इसी के साथ में अगर हमने एक्स की वैल्यू जीरो ली तो वाई जीरो, तो इसी के साथ में हमारा स्लोप भी क्या होगा ऑल्सो जीरो होगा, देन डिवाइड बाई डी बिकम ऑल्सो जीरो, इट मींस x इज इक्वल टू 0, इसी तरीके से अगर हम x इज इक्वल टू l ले लें तो हम कहां आ गए, x की वैल्यू हमने l ले ली तो हम कहां पहुंचे, टॉप एंड, और टॉप एंड इज फिक्स एंड, तो फिक्स एंड पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बिकम्स आल्सो 0, डिफ्लेक्शन 0 एंड स्लोप बिकम्स आल्सो 0, ये कुछ हमारे बाउंड्री कंडीशन हमने पहले पढ़ रखी है, क्लियर? अब हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम x इज इक्वल टू जीरो करके वहां पर डिफ्लेक्शन को जीरो करेंगे, ये हम पहले बाउंड्री कंडीशन लेंगे, x की वैल्यू हमने यहां पे जीरो ले ली,
यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके अंदर इक्वेशन नंबर वन के अंदर जहां y आ रहा है, जहां y आ रहा है वहां पर जीरो पुट करना है, जहां x आ रहा है वहां पर हमें जीरो पुट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू जीरो, y की वैल्यू क्या ले ली, जीरो ले ली। c1 इंटू cos रूट ऑफ p अपॉन a इंटू x, c1 इंटू cos रूट ऑफ p अपॉन a इंटू x, और x की वैल्यू हमने यहां पर जीरो ले ली है, प्लस C2 into sine root of P upon EI into X आ रहा है, तो हमने X की वैल्यू यहां पर जीरो ले ली है, into में क्या चल रहा है, M not upon P, M not upon P, इसको सॉल्व करते हैं, then 0 is equal to C1 into cos root of P upon A into 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो हो जाएगा cos 0, cos 0 की वैल्यू में पता है कि 1 होती है, C1 into हम इसको 1 ले सकते हैं, प्लस C2 into sin root of P upon A into 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो sin 0 की वैल्यू 0 होगी, 0 into C2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस मैं चलता रहा यहां पर M not upon P, M not upon P, तो यहां से हम ले सकते हैं कि C1 की जो वैल्यू है यहां से हमें मिलेगी माइनस M not upon P, लिख सकते हैं इसको, C1 should be equal to minus M not upon P, तो हमारे पास में C1 की वैल्यू आ गई which is equal to minus M not upon P। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस जो डिफरेंशिएशन की इक्वेशन है, इस डिफरेंशिएशन इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x we get, so differentiating equation number 1 with respect to x, then y become divided by dx, so divided by dx, c1 constant है, तो c1 हो जाएगा, इसका c1 का c1, यहाँ पे हमारे पास में cos root of p हम बोल रहे हैं, तो ऐसे तो cos का differentiation with respect to x होता है minus sine, ठीक है, then minus sine, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे भी जैसा आ जाएगा रूट ऑफ पी अपॉन ए इनटू एक्स, और अंदर का टर्म का वापस होगा तो हमारे पास में हो जाएगा ये आ जाएगा रूट ऑफ पी अपॉन ई आई, और एक्स हो जाएगा वन। नेक्स्ट प्लस सी टू, देन सी टू कॉन्स्टेंट है तो सी टू रहेगा, फिर आ रहा हमारे पास में साइन रूट ऑफ पी अपॉन ए इनटू एक्स, साइन का हमारे पास में डिफरेंशिएशन मिलता है cos होता है, तो यहां हो जाएगा प्लस cos, अंदर वाले टर्म का फर्स्ट रूट ऑफ p अपॉन a इंटीग्रेट करके आ जाएगा रूट ऑफ p अपॉन e i इनटू x, और अंदर वाले टर्म का अगेन तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा रूट ऑफ p अपॉन e i x हो जाएगा वन, ठीक है, देन रूट ऑफ p अपॉन e i, और प्लस में चल रहा है m नॉट अपॉन p, और m नॉट अपॉन p एक कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा हमारे पास जीरो प्लस जीरो। तो अब हमारे पास में ये सॉल्यूशन हो गया, डिफरेंशिएशन इक्वेशन हमारे पास में डिवाइड बाय डी हमारे मतलब स्लोप की इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के इस इक्वेशन को मानते हैं इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन नंबर सेकंड, इस इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर हम इस इक्वेशन के अंदर डिवाइड बाय डी की वैल्यू जीरो ले, मतलब अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो लेते हैं, तो हम कहां पर हैं, फिक्स एंड ए पे, तो वहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। Clear that if x is equal to 0, then divided by dx becomes 0. तो ये जो अब हमारे पास में कंडीशन है, ये इसके अंदर पुट करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास में क्या वैल्यू आती है। तो डिवाइड बाय इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जीरो इज इक्वल टू माइनस सी वन साइन रूट ऑफ पी अपॉन ई आई इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे जीरो ले ली है, इंटू रूट ऑफ पी अपॉन ई आई प्लस सी टू इंटू कोस रूट ऑफ पी अपॉन ए इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने यहां पर जीरो ले ली है, इंटू रूट ऑफ पी अपॉन ई आई। क्लियर, ये हमारे पास ना सॉल्यूशन है, आप इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आ
चलिए यहां इधर का सॉल्व करके हाँ
वहां पर हम डिफरेंस में क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, और जीरो होता है दोबारा वो एंड फिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेडियो पॉइंट करते हैं, देखते हैं हमारे पास में क्या फॉर्मूला बनता है जब हमारे दोनों के दोनों एंड फिक्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, अब ना हम सब्स्टिट्यूटिंग द रेडियो एस इज इक्वल टू एल इन क्वेश्चन नंबर थर्ड वी गेट एक्स इज इक्वल टू एल देन y बिकम जीरो क्योंकि हम x की वैल्यू l ले लिए हमने यहां पर l कहां पर है फिक्स एंड पे मतलब हमारे l कहां पर है टॉप एंड पे और टॉप एंड पे कौन सा एंड है फिक्स एंड पे डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो होगा तो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर जहां पर डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू y की वैल्यू जहां पर y आ रहा है वहां पर हम जीरो पुट करेंगे जहां x आ रहा है वहां पर l पुट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं तो y की वैल्यू हमने यहां पर जीरो ले ली है माइनस m not upon p into cos root of p upon ei into में आ रहा है x, x की वैल्यू हमने यहां पर n ले ली है प्लस m not upon p क्लियर है। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, ये हमारे पास में टर्म पूरी माइनस की है, इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगी पॉजिटिव देन m not upon p into cos root of p upon ei into l is equal to m not upon p और m not upon p को हम अगर यहां लेके जाते हैं तो हमारे पास में देखते हैं क्या वैल्यू आती है cos root of p upon ei into l m not upon p को ट्रांसफर करेंगे आएगा इसे डिवाइड करेगा तो m not upon p upon m not upon p क्या हो जाएगा 1 clear that तो हमारे पास में क्या टर्म आ गई cos root of p upon a into l is equal to 1 और हमें ये पता है कि cos theta की वैल्यू 1 कब होती है तो cos theta की वैल्यू में वैल्यू जो होती है 1 स्टूडेंट cos 0 पे होती है cos 2 पे पे होती है cos 4 पे पे होती है cos 6 पे पे होती है ठीक है। तो cos theta की वैल्यू 0 कब होती है cos 0 डिग्री पे होती है और 2 पे पे होती है 4 पे पे होती है एंड 6 पे पे ये सारी सारी टर्म्स पे cos की वैल्यू cos theta की वैल्यू 1 होती है। तो हम क्या करेंगे यहां पर लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू को लेंगे ठीक है। तो हमारे पास में लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है 2 पाई एंड हमें पता है कि cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और हमारे पास में यहां पर cos root of p upon a की वैल्यू क्या है वो भी 1 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं root of p upon e i into l is equal to 2 पाई लिख सकते हैं इसको देख सकते हैं रूट ऑफ पी अपॉन ई आई इनटू एल इज इक्वल टू 2 पाई। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर करें स्क्वायरिंग बोथ साइड तो यहां से हमारे पास आ जाएगा पी अपॉन ई आई इनटू एल इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड यहां पे एल स्क्वायर हो जाएगा यहां पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर ठीक है। तो हमारे पास में पी है वो पी क्या है बकलिंग लोड है एक में फाइंड करना है तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से 4 pi square ei हो जाएगा तो हो जाएगा pi square into ei upon ये l divide कर जाएगा तो हो जाएगा l square clear that this is the expression for buckling load when both the ends of the column are fixed clear the formula for this expression is p is equal to 4 pi square ei upon l square। यहां पर हमारे पास में p क्या है बकलिंग लोड ऑफ द कॉलम है एंड e क्या है जो भी हमारा कॉलम है जो उसका मटेरियल है उसका यंग्स मॉडुलस एंड i क्या है यहां पर i यहां पर है उस कॉलम के सेक्शन का लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है। यहां पर हमें i मिनिमम लेना होता है ठीक है i हमें यहां लेना होता है i मिनिमम ठीक है और l क्या है लेंथ ऑफ द कॉलम है ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन है व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम